हे फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेटीएम के फ्रॉड के बारे में। फ्रेंड्स, आपने बैंक फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स आपने सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको पेटीएम फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको प्लीज़ से प्लीज़ बच के रहना है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गैस आप इस वीडियो को देखें नहीं, बल्कि इसे आप शेयर भी करें ताकि किसी के साथ भी फ्रॉड होने से बच जाए। और अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि क्या कैसे कुछ हुआ है। सो गाइस, हुआ क्या था, सुबह सुबह मेरे पास एक मैसेज आया था और मैसेज में कुछ ये लिखा हुआ था कि आप एक गाड़ी जीत गए हैं, आपको 6500 रुपये जमा करवाने हैं। और मतलब जो भी है, मेरे पास मैसेज आता है ऐसे करके, और उसके ऊपर आप देख भी सकते हैं कि किसी कंपनी की तरह लगता है, हालांकि उसमें एम पेटीएम ज़रूर से लिखा हुआ है, लेकिन वो किसी पेटीएम का नंबर नहीं था। अब हुआ क्या था दोस्तों, जैसे ही मेरे पास वो मैसेज आया तो मैं समझ गया था, उसी टाइम पर समझ गया था कि ये सब फ्रॉड है। तो मैंने उस पर कॉल किया, कॉल करने के बाद वो व्यस्त बताया, व्यस्त करने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उस बंदे ने सामने से मेरे पास फ़ोन किया, और सामने से फ़ोन करने के बाद उसने मेरे को जो जो बात है वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन आप वीडियो स्किप मत करें, आप वीडियो को पूरा देखें। तो क्या हुआ, उसने मेरे पास कॉल किया, उसने मेरे से वो चीज़ें करने को बोली जो कि मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा, वो सब आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी लिंक हो, चाहे कैसा भी लिंक हो जो आपको WhatsApp पे आता है, जिसमें आपको ऐसा लिखा होता है कि आप फ्री में रिचार्ज कर लो, जियो का रिचार्ज कर लो, या आपको 2 रुपये में लैपटॉप मिल रहे हैं, या फिर कोई स्कीम चल रही है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग आ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग में आपको 10 लोगों को 10 ग्रुप में सेंड करना है, इससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे, तो इस तरह का कोई भी लिंक आपको आता है, चाहे Amazon, चाहे Flipkart, चाहे कोई सा भी, ये सब एक स्पैम होता है, एक जाल होता है आप लोगों को फंसाने के लिए, जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका सब कुछ, ईमेल आईडी मांग लिया जाता है, और उसी का यूज़ करके आपको हैक किया जाता है, उसी का यूज़ करके आपको टैप करते हैं और बोलते हैं कि भाई आपका ये पिन कोड है, आपका ये एरिया है, आप ये चीज़ जीत चुके हैं, जो भी आप अपना रिडीम कर लो। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप ऐसी जगहों पर अपनी पर्सनल डिटेल ना डालें जो कि कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी कोई ऐप हो, तो वहाँ से ये यूज़ किया जाता है स्कैम के लिए। अब दोस्तों, हुआ क्या था मेरे साथ वो तो आप रिकॉर्डिंग में सुन ही लेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें ही नहीं, बल्कि शेयर भी करें ताकि किसी के साथ भी ये फ्रॉड ना हो। तो चलिए, अब आप वीडियो को देखें और पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सुने, और आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो चलो, आप रिकॉर्डिंग सुनो। हाँ जी, बोलिए पवन गुप्ता जी। हाँ जी, हाँ जी सर, अभी मेरे पास मैसेज आया था वो टाटा सफारी का, पेटीएम मॉल में मेरा लक्की विनर है, फर्स्ट पोजीशन आई है। आप हरियाणा से बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, हरियाणा से जी। आपका हाउस नंबर हो गया 564/31। नहीं, अब तो हमने चेंज कर दिया है। आपका तो इसी एड्रेस से है जो कि आपने जो शॉपिंग किए हैं? हाँ, शॉपिंग तो इसी से किया है, लेकिन वो चेंज कर दिया हमने रूम, गली नंबर 1 है ना? हाँ जी, हाँ जी, चेंज कर दिया। हाँ जी, बोलिए ना जी, बोलिए। गाड़ी है क्या टाटा सफारी? जैसे आपको जो प्राइस जो दिया जा रहा है, आपको मैसेज मिला है ना कंपनी की तरफ से? हाँ, कंपनी की तरफ से मैसेज मिला है। कंपनी आपको 2 ऑप्शन दिया है, कार लेंगे तो कार आपके एड्रेस पे होम डिलीवरी किया जाएगा, कार का मार्केटिंग कीमत लेंगे तो कीमत आज की डेट में आपके अकाउंट पे दिया जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या लेंगे, कार या कार का अमाउंट? सर मैं तो कार लूंगा। कार लेंगे तो कार लेने के लिए आपको एक प्रूफ देना होगा, वोटर कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये 4 प्रूफ में से कोई एक प्रूफ का नंबर, पिताजी का नाम आप मैसेज करेंगे सर या लिखवाएंगे? सर मेरे पास मेरा भी आधार कार्ड बना नहीं। आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड है? सर मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ। नहीं हुए तो पिताजी का नाम का है वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड? हाँ, वो तो पिताजी ने संभाल कर रखा है। क्या जी? वो तो पिताजी को ही पता होगा। हाँ, तो उनसे पूछ लीजिए, उनका आधार कार्ड का नंबर या वोटर आईडी कार्ड का नंबर, ठीक है ना, या क्या पैन कार्ड, जो भी करना है। क्या है ये बताओ जल्दी। करना यही है, जैसे वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई एक प्रूफ का नंबर, पिताजी का नाम आप मैसेज कीजिए। हाँ अभी कर दूंगा मैं, उसके बाद? उसके बाद आपको गाड़ी का जो पेपर बनेगा, विनर सर्टिफिकेट, विजेता प्रमाण पत्र बनेगा, इसका जो खर्चा आपको 6500 रुपया जमा करना होगा। सर रुपए तो नहीं लगेंगे सर, आपने तो फ्री में कहा है कि फ्री में गिफ्ट मिलेगा, इनाम। क्या चीज? सर मैसेज में तो सर लिखा हुआ है इनाम है। इनाम है तो आपको जो पेपर का जो खर्च है विनर सर्टिफिकेट का, वो आपको देना होगा, उसमें नीचे लिखा हुआ है 6500। पढ़ो। ठीक है सर। फिर सर सुनो, जो गाड़ी डिलीवरी का जो बॉय आएगा ना, गाड़ी डिलीवरी जब करके जाएगा तो उसी टाइम में दे दूंगा हाथ से।
नहीं, वो पैसा आपको आज की डेट में जमा करना होगा सर, जमा सर करेंगे तभी प्राइज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रखिए फोन। लास्ट डेट कब की है सर? आज की डेट तक है, आज की डेट में प्राइज रिसीव करना है सर। बताओ तो क्या करना है, बताओ जल्दी बताओ। आपसे आपसे एक रैंक नीचे सेकंड विजेता को दिया जाएगा। नहीं सर, मेरे को ही लेना है, बताओ मेरे को क्या करना है, बताओ। तो आप वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई एक प्रूफ का नंबर और पिताजी का नाम मैसेज कीजिए। अच्छा, अभी करूँ मैसेज? हाँ जी, इसी नंबर पे? इसी नंबर पे? जी जी जी, ठीक है जी, अभी करता हूँ। ठीक है, ओके ओके। हेलो हेलो सर जी, मैंने अपने पापा का नाम और आधार कार्ड नंबर भेज दिया है। हाँ, मैसेज आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी 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 जी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपके नाम से गाड़ी का पेपर बनेगा, गाड़ी कौन सी कलर जाएगी सर? गाड़ी कौन कौन से कलर में? गाड़ी आपको कलर मिलेगा जैसे व्हाइट कलर, हाँ, सिल्वर कलर, ब्लैक हाँ, कलर। सर गोल्डन में नहीं है? क्या चीज सर? गोल्डन में? गोल्डन में, सोने के, सोने के कलर में, जो थोड़ा डार्क डार्क होता है, लाइट होता है। अभी नहीं आया सर मार्केट में। सर मेरे को वही पसंद। रेड में मिलेगी सर? रेड में? रेड में मिल जाएगा। हाँ सर रेड में, पापा वो रेड वाली है। हाँ सर रेड में रहना, रेड में कर दो। हेलो सर, रेड में? चलिए ठीक। हाँ ठीक है सर, ठीक। तो आपके नाम से जो कि है गाड़ी का पेपर बिना सर्टिफिकेट बनेगा। हाँ, गाड़ी आपको जो ट्रांसपोर्ट से छोड़ा जाएगा वो ट्रांसपोर्ट का नंबर, हाँ जो जी, ड्राइवर ले जाएगा वो ड्राइवर का नंबर आपको दिया जाएगा। आप ड्राइवर से संपर्क में रहेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। गाड़ी आपको इसी एड्रेस पे जाएगा। हाँ है ना? हाँ, हरियाणा, ठीक हाँ, है। हाँ, जो कि आपका एरिया का पिन कोड है 124506। हाँ जी, हाँ जी जी। तो ये आपके एड्रेस पे गाड़ी जाएगा, आप ड्राइवर से संपर्क में रहेंगे। जब आपको हरियाणा पहुंचेगी तो ड्राइवर से आप संपर्क में, ड्राइवर के पास आप पहुंच के जहां भी ले जाना चाहते हैं, जिस गली या जिस मोहल्ला जो भी है ना, जैसे आप बोले ना कि क्वार्टर जैसे खाली वहां से हो गया है, ठीक, तो आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। और रुपए कैसे जमा करवाने हैं? रुपया आपको जो 6,500 रुपया जो जमा करना है वो कंपनी का जो जीएम अधिकारी है, हाँ, उनका अकाउंट पे आपको जमा करना है आज की डेट में। तो जमा जो करना है, हाँ, तो कंपनी का जो जीएम अधिकारी उनका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आप मैसेज कर देते हैं, चाहे तो आप बैंक से जमा कर सकते हैं। नहीं, एसबीआई, मैं यहीं से जमा कर दूंगा, यहीं से जमा कर दूंगा, पास में दुकान है मेरे। हाँ, जैसे दुकान से भी कर सकते हैं या पेटीएम मॉल, जैसे अपना एप्स होता है ना पेटीएम से, हाँ, या पेटीएम ऐप, हाँ, तो इससे आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको कॉल करना है कि हाँ सर पैसा जमा हो गया है, आपका पैसा आएगा। पैसा आने के बाद आपको आधे घंटे का समय लिया जाएगा, आधे घंटे में जो ट्रांसपोर्ट से भेजा जाएगा वो ट्रांसपोर्ट का नंबर, जो ड्राइवर ले जाएगा वो ड्राइवर का नंबर आपको दिया जाएगा, आप ड्राइवर से संपर्क में रहेंगे। जब ड्राइवर आपके पास, गाड़ी आज ही आ जाएगी अगर मैं ये पैसे भेज दूंगा तो? जी, गाड़ी आपको मिलेगा सर, जैसे आपको जब ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा है ना, तो ड्राइवर को आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी, हाँ, पिताजी का पासपोर्ट, दो फोटो देना होगा, ठीक है? ठीक है जी। और आपको अगर ऐसा लगे है ना, जैसे आप अभी बोले कि मतलब पैसा जमा करें तो गाड़ी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना, तो इसके लिए कंपनी जो है अकाउंट पे पैसा लेती है, क्योंकि अकाउंट सबसे बड़ी प्रूफ होता है आपके लिए, ठीक है? अच्छा। कि आप पैसा कहाँ जमा किए हैं। अगर बाई चांस मतलब जैसे आपने बोला है ना, उस आधार से अगर आपको लगे कि हमारा अगर गाड़ी ना आए मेरे पास तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप जिस अकाउंट पे पैसा जमा, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो अभी आप? पेटीएम मॉल कंपनी, टाटा नगर जमशेदपुर। हाँ, कहाँ से? उत्तर प्रदेश में, बिहार में? टाटा नगर जमशेदपुर, झारखंड बिहार। अच्छा, झारखंड बिहार में है जी। सर कितना कमा लेते हो ऐसे करके? क्या जी सर? कितना कमा लेते हो या सर ये सब करके? कितना कमा लेते हैं? हाँ, अरे हम क्या कमाएं, कंपनी कमाती है ना। हाँ, कंपनी तो कमाती है, लेकिन अभी जो आप कह रहे हो उससे कितना कमा लेते हो? क्या जी? कितना कमा लेते हो? एक गरीब आदमी का पैसा मार के कितना कमा लेते हो आप? अरे सर, गरीब कौन है और अमीर कौन है? शॉपिंग यहाँ होता है तो क्या गरीब शॉपिंग करता है? गरीब को तो खाने के लिए एक वक्त का रोटी सोचना पड़ता है, ये शॉपिंग किसने करता? और आप गरीब की एक वक्त की रोटी खींच लेते हो?
अरे सर, किसने आपने को किसने कहा कि गरीब को मैं छीनता हूँ? नहीं, शॉपिंग करना कोई गरीब का काम नहीं है, ठीक है? देखो देखो देखो, शॉपिंग करना गरीब का काम नहीं है, लेकिन जो नहीं आप है। करते हो उससे तो गरीब की रोटी छीन जाती है। नहीं छीनेगी, क्योंकि वो गरीब उसमें होता ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब किसी का अकाउंट में बेचारे ने अगर सुनो 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 अगर किसी ने किसी बेचारे ने अगर 10-12 हजार रुपए इकट्ठे करे हो, तो मतलब आप ऐसे ही उड़ा ले जाओगे उसको? ऐसे कैसे उड़ा ले जाएंगे? क्यों, आप जिस उसको तरह से सामान आप पहुंचेगा, उड़ाने की क्या बात है, उस पर सामान अच्छा। पहुंचेगा। अब तो कितनों को नहीं सामान पहुंचेगा, पहुंचाया सब अब में तक, कुछ मिलेगा? कितनों को सामान पहुंचाया अब तक आपने? कितने को क्या, तुमने सामान बुकिंग किया, तुम्हारा सामान नहीं पहुंचाया? अच्छा, तो ये पेटीएम का नंबर नहीं है भाई साहब, आप जिससे बात कर रहे हो ना उसको आप जानते नहीं हो, आप किससे बात कर रहे हो? इससे बात कर रहा हूँ, मोदी का आप लड़का है क्या? मोदी का लड़का तू भी नहीं होगा, मोदी का लड़का मैं भी नहीं हूँ, मोदी का लड़का कोई और भी नहीं होगा। सुन भाई साहब, सुन मेरी बात, ये जो है ना हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में इतनी आसानी से बंदे फंसते नहीं है, बल्कि फंसाते हैं। सुने सुने, गाली पे लगाम रख, गाली पे दुकान रख, ठीक है, और गाड़ी की बात कर रहा है ना, तो गाड़ी ले जा और अपने घर पे चला, ठीक है, यहाँ गाड़ी बांटने जरूरत ना है। अगर आइंदा से कॉल आ गई ना